छतरपुर पुलिस ने एक वाहन से 35 किलो अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छतरपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन से अवैध गांजा तस्करी कर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने CSP की अगुवाई में तेरी रोड पर घेराबंदी कर कार को रोका तो उसमें तलाशी के दौरान 35 किलो अवैध गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा ले जा रहे दोनों आरोपियों कैलाश राय और घनश्याम राय को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। सूचना मिली थी इसमें एक ग्रे होंडा कार जिसमें गांजा मिलने की सूचना मिली थी, उसे मुखबिर के द्वारा जो हमें बताया गया था वहाँ पे हमने रास्ते पर नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका। उसमें जब रोकने पर तलाशी दी गई तो उसमें दो बैग और एक ट्रॉली मिली, जिसमें प्रथम दृष्टया तलाशी देने पर गांजा पाया गया। लगभग 35 किलो के आसपास वो गांजा उसका वजन था, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।